तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। अब मैं जा रहा हूँ भाई आज गाड़ी को लेके हिसार। अब हिसार ऐसा क्या काम पड़ गया, रोज तो बस में जाता हूँ, आज गाड़ी में जा रहा हूँ। तो कल रात को क्या हुआ हमारे साथ, हम वैसे ही घूम रहे थे रात को गाड़ी लेके, तो एकदम पीछे बेस ट्यूब से आवाज आनी बंद होगी। तो हमने देखा भाई क्या हो गया, कोई फ्यूज वगैरह तो नहीं उड़ गया, तो हर चीज ओके थी। फिर हम लेके गए इसको हंसी दिखाने, तो वहां पे हमारे को पता लगा भाई बेस ट्यूब ही खराब हो चुकी है। फिर हमारे को रात को इतना गुस्सा आया, इतना मूड खराब हुआ हमारा। फिर हम गए हिसार, फोन किया हमने, भाई क्या बात, महीना ही हुआ था आज, आज महीना भी नहीं हुआ खैर, तो अभी पहली खराब होगी। फिर वो बोला भाई कोई नहीं, इलेक्ट्रिक चीज होती है, इनका कोई भरोसा नहीं होता, आप ले आओ बदल देंगे। तो भाई अब जा रहे हैं हिसार, क्या कर सकते हैं, तेल भी खराब हुआ, करते हैं अब जाके बात उनसे भी क्या सिस्टम लगाया उन्होंने। तो मिलते हैं आपको हिसार जाके। तो भाई पहुंच चुके हैं अपने कॉलेज के बाहर, चलोगे अंदर, लड़कियां दिखाता हूँ हमारे कॉलेज की, नहीं चलते, चलो रहने दो, फिर कोई बात नहीं, मैं होके आता हूँ आपको कॉलेज के बाद मिलता हूँ। तो भाई आ गए वहाँ पे जहाँ से लगवाई थी बेस ट्यूब, कर रहे हैं चेक, देखो क्या करते हैं। भाई फाइनली उन्होंने बेस ट्यूब ही चेंज कर दिया, पूरी की पूरी नई लगा दी है। अब फिलहाल कुछ तो चलो जान में जान आई है, बाकी चलो अब घर चलते हैं, भाई को भी दिखाएंगे। अभी मैं आ चुका हूँ अपनी शॉप के बाहर। अब रस्ते में क्या हुआ, मैंने वहाँ पर वीडियो भी नहीं बनाई गाड़ी चलाते हुए। जैसे मैं गाड़ी 80 से क्रॉस कर रहा था ना, ऊपर 80 से स्पीड ऊपर लेके जा रहा था, तो गाड़ी का स्टीयरिंग बहुत तेज से वाइब्रेट कर रहा था, जैसे जंप से नहीं लेती गाड़ी वैसे ही बहुत तेज वाइब्रेट करने लगा था, और बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था चलाने में। तो भाई अब दिखाना पड़ेगा टायर वालों को भी, जिनसे भैया से टायर लगवाए थे, भी क्या रीजन हुआ इसके पीछे। अलॉय पहले भी बहुत गाड़ी में लगवाए, लेकिन इसमें ऐसी कोई दिक्कत आ रही है। तो भाई अब चलेंगे, शायद मेरे ख्याल से तो व्हील बैलेंसिंग की दिक्कत हो सकती है, बाकी एक बार वो भी करवा लेते हैं, फिर भी वाइब्रेट हुआ तो चलेंगे किसी मिस्त्री के पास ठीक करवाने इसको। तो भी करवा रहे हैं भाई गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग। लव ने आपको बताया था कि जब 80 स्पीड ज्यादा हो जाती है ना गाड़ी की, तो सारा व्हील मतलब कि जो स्टीयरिंग व्हील है वो बिल्कुल वाइब्रेट करने लग जाता है। तो भाई से व्हील बैलेंसिंग करवाएंगे और उसके अंदर दिखाएंगे क्या होता है। पहले आपको मैंने अलाइनमेंट दिखा रही है कैसे होती है व्हील बैलेंसिंग, अब दिखाता हूँ। व्हील बैलेंसिंग तब नहीं करा था, अलाइनमेंट करवाया था सिर्फ। ये होती क्यों है खराब ये व्हील बैलेंसिंग वैसे नहीं करता क्यों है, क्यों हो जाती है गड्ढों में जाने की वजह से? टायर की घिसाई की वजह से, टायर जितना घिसेगा उतना वेट मांगेगा। अच्छा हाँ। तो अभी तो टायर घिसा ही नहीं। हाँ तो मतलब कुछ तो घिसा होगा, उसके लिए अगर वेट मांगेगा तो देना पड़ेगा। नहीं वाइब्रेशन कितने टाइम में करानी पड़ती है? ये 3000 किलोमीटर बाद। तो 3000 तो चला ही नहीं अभी हमने, एक बार भी स्टार्टिंग में कुछ तो चलाया होगा आपने। अच्छा अब दोबारा 3000 बाद आना पड़ेगा। इस मशीन में वेट पता लगेगा कहाँ पर वेट मांग रही है। अच्छा तो उस जगह वहाँ पे वेट लग जाएगा, मैग्नेट लगा देता 30 ग्राम मैग्नेट लगा, अब सही चिपक जाएगा, इमरान हाशमी वाला जोड़ बनेगा। बिल्कुल इमरान हाशमी का जोड़ बनेगा इसमें। अब जीरो हो गया भाई यहाँ पर, पहले यहाँ पर 30 ग्राम दिखा रहा था, तो वो 30 का वेट लगा दिया, अब बराबर हो गया। ओके अब ऐसे ही सारे टायरों में करना पड़ेगा अपने को। 3 टायर की हो चुकी है, एक की आई थी 30, एक की आई थी 65 और एक की आई थी 20, अब लास्ट टायर रह गए। पहले सारे ना मिट्टी वगैरह उतारनी पड़ती है, अब कंकड़ उतारने पड़ते हैं ताकि वेट थोड़ा कम आए, एक्यूरेट आए। अभी देखते हैं इसमें सट्टा बोल कितना आएगा, सट्टा बोल से गलत काम नहीं करता, बता कितना आएगा गलत काम करता। और लास्ट वाले में आया 55 ग्राम, सट्टा फेल हो गया, सट्टा फेल हो गया, इसने 30 बोला था, 30 बोल दिया गलत काम करता है। बीजी होता 20 ग्राम का या 30 ग्राम का? 30 ग्राम का बीज नहीं होता भाई? नहीं करता, अभी हाईवे पे चलते हैं और देखते हैं दौड़ा कर इसको। तो भाई हाईवे पे आ गए और देखते हैं कि अब व्हील बैलेंसिंग करवाने के बाद स्टीयरिंग वाइब्रेट कर रहा है नहीं कर रहा, पहले से तो बहुत फर्क है, अलॉय भी तो लगे हुए हैं भाई 14 नंबर के। अभी आपको स्पीड दिखाता हूँ गाड़ी की, पहले पिछली बार तो 100 पे बिल्कुल ऐसे ऐसे करने लगी थी, 100 के अराउंड चली गई है गाड़ी, बट थोड़ा बहुत फर्क है, थोड़ा बहुत से भी ज्यादा फर्क है, बट अभी भी थोड़ा बहुत वाइब्रेट कर रहा है, वो अलॉय व्हील के कारण कर रहा है, क्योंकि कंपनी ने 12 नंबर टायर कुछ सोच के दिए थे और हमने 14 लगवा दिए, कुछ तो सहना ही पड़ेगा। चलो भाई ये था व्हील बैलेंसिंग का सारा सेटअप। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी और वीडियो देखने के लिए।